Everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? So today we are here going to watch Modi ji की बेटी official trailer and in this we have Avni, Vikram, Pitobash, Tarun, ADS and in cinemas 14th of the October. Okay, तो क्या बोल सकते हैं? Doctor ji भी same 14th of the October है in cinemas. 14th of the October को है क्या लगे? मुझे नहीं पता. ओके तो आज हम यहाँ पे हैं मोदी जी की बेटी. ओके मतलब कैसा क्या होने वाला है? ये कुछ स्टीरियोटिपिकल टाइप ऑफ मतलब मूवी बनाने की कोशिश किया है या ऐसा ही नाम रखा है? आई डोंट नो. लेकिन मुझे तो लग रहा है अगर स्टीरियोटिपिकल टाइप ऑफ मतलब ऐसा कुछ होगा तो मजा आएगा. अगर मैं सच में बोलूँ तो मतलब लेकिन ये तो कॉमेडी होने जाएगा ही. एज अ टाइटल इटसेल्फ इट सेज थोड़ा कॉमेडी जॉनर में ये होगा. सो लेट्स वॉच हाउ दिस मोदी जी का ऑफिशियल ट्रेलर इज गोइंग टू बी. चलिए देखते. जनाब कल रसाब भाईजान से मुलाकात हो गई ख्वाब में. कहने लगे मेरी दिली ख्वाहिश है तुम दोनों मेरी तरह जिहादी बनो. एक मौका दे दे. एक रोज ऐसा काम करेंगे कि जन्नत पे सिर्फ हमारा नाम होगा. कसाब भाईजान से भी बड़ा नाम करना है. अदाकारा अवनी मोदी का बयान. वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके वालिद हैं. जी हाँ, मैं मोदी जी की बेटी. हिंदुस्तान में 2000 के नोट की तरह ही रातों रात पैदा हुई मोदी जी की बेटी. अगर ये हमारे पास हो तो सज्जाद भाई तो क्या पूरा हिंदुस्तान नाचेगा हमारे इशारे पर. वेलकम टू पाकिस्तान. मोदी जी की बेटी. सलमान खान बजरंगी भाईजान में अपनी जान पे खेल के मुन्नी को छोड़ने पाकिस्तान आए थे. हम भी तो अपनी जान पे खेल के तुम्हें पाकिस्तान ही ले आए हैं. ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है. बेहतर जनाब. हमारे यहाँ ना खुले में नहीं जाते, शौचालय में जाते हैं. संडा. तुम किसको उठा के लाए हो तुम्हें पता है? मोदी जी की बेटी को. तो क्या समझ के लाए? उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता? कश्मीर मांगने की सोच रहे थे. पागल हो यार. अब अगर मैं इतनी जल्दी वापस चली गई ना, ये मीडिया वाले इसे ना चीप पब्लिसिटी स्टंट मानेंगे. इंडिया की गलियों में ना इतने कुत्ते नहीं भौंकते जितने तुम्हारे यहाँ बारूद फटते. आप अवनी मोदी है ना? You guys know me? सजाद भाईजान तो इस दफा जान से मार डालेंगे बिलाल. और पकड़े गए तो पुलिस जान बचाने की सोचो. गाड़ी में बैठो. हम तुम्हें भगा के लाए कि तुम हमें भगा के लाए. कसाब बनने के चक्कर में ये कसाई गले पड़ गए. बंदूक है सजी है आपकी शान. सुना है मोदी जी पहले चाय बेचते थे. हमें कब पिला रहे हैं? Literally the dumbest villain ever. The dumbest people ever they are. यार वो मोदी जी की एक्चुअल बेटी नहीं है. कौन ही समझा अभी इनको. वो एक्चुअल बेटी नहीं है यार. एंड ऑल्सो ये ऐसा नहीं लग रहा है दैट बजरंगी भाईजान का लाइक कॉमेडी वर्जन होता है. और उल्टा सिर्फ कॉमेडी वर्जन है बट उल्टा वर्जन होता बजरंगी भाईजान होता तो ऐसा होता यार. मतलब कितना और उनको लग रहा था कि उनको उठा के मतलब अपनी हुई जो एक्टर्स है टीवी एक्टर्स उनको उठा के लेके आने से पूरा कश्मीर उनको मिल जाएगा. एंड ये जो बात मैंने स्टार्टिंग में कहा था स्टीरियोटाइपिकल वाला ये मतलब है इस ट्रेलर में दिखाई दे रहा है. ये जैसा था कि पाकिस्तान में जैसे मतलब चिल्लाने की आवाज से मतलब सिर्फ बम फोड़े ज्यादा बम फोड़े जाते हैं दैट काइंड ऑफ अ स्टीरियोटाइपिकल थिंग यू कैन सी ओवर हियर. मतलब इस मूवी में है थोड़ा व्हाट वी कैन से स्टीरियोटाइप एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस. लेकिन अच्छा लगा मुझे. लेकिन थोड़े कॉमेडी थिंग्स जो भी यहाँ पे है ये अच्छे होने चाहिए तो मूवी बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगी हमको. लाइक हालांकि ट्रेलर में इतना ज्यादा कॉमेडी मतलब मुझे देखने को नहीं मिला जैसे कि मतलब एकदम बिल्कुल हंसी आ जाए लाइक काइंड ऑफ दैट लाफ्टर थोड़ा ठीक ठाक था. एंड आई होप कि मतलब पूरे ऑफिशियल व्हाट यू गाइस मूवी में अच्छा देखने को मिले हमें.
एंड ये जो मोदी जी की बेटी, जैसे ये आजकल सोशल मीडिया पे जैसे लाइक एक रात में फेमस होते हैं, जैसे आपको पता है प्रिया प्रकाश वरियर दो ओनली विद द लिटिल विंक शी हैज बिकम फेमस रातों रात। तो मतलब सच में मैं बोल रही हूँ यार, मतलब अजीब है इंटरनेट, यू नो, मतलब सच में अजीब है इंटरनेट और एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप कुछ भी करो कुछ भी वायरल हो जाता है अभी, और आप फेमस भी हो जाते हो उतनी जल्दी से, और आप डी फेम भी हो सकते हो उतनी जल्दी से। मतलब कभी भी मतलब सोच समझ कर क्या करो अगर कुछ करना है तो ऑन द सोशल मीडिया। एंड बात किया जाए ये वाले ट्रेलर में, जैसे कि ये पाकिस्तान से पूरे आके इंडिया में मतलब आ गए थे, अभी किडनैप करके लेके गए हैं, मतलब क्या सोच के किया था तुमने वो मोदी जी? Oh my, that is literally man, a laughing thing. अगर मतलब सोचो ना, अगर ये सच में होता तो इन रियल लाइफ, हाँ मतलब सारे के सारे तो हंसेंगे ही उनके ऊपर, तो वे दे हैव बीन डेडेड एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन यार उनको लिया ही कैसे यार आर्मी में पाकिस्तान वाले, मतलब आई नो दिस इज जस्ट मतलब काइंड ऑफ कॉमेडी एंड ऑल, बट सोचने वाली बात है ना। ओके और ये बोल सकते हैं कि थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी सब कुछ इंडल्ज होगा इसमें, और इट इज गोइंग टू बी ऑन 14th अक्टूबर को क्या है यार मुझे नहीं पता, क्योंकि दो ओके 14th October 2020 हाँ चल देखेंगे क्या है उस दिन, कुछ नहीं है जस्ट अ डे है उतना आगे कुछ नहीं है उस दिन, हाँ ठीक है ओके, मतलब शायद इट इज लाइक फ्राइडे तो इसीलिए मतलब उस दिन, और फ्राइडे भी है और तभी भी तभी दशहरा खत्म होके दिवाली के सारे गणपति चालू होंगे, तभी भी दैट इज व्हाई दे हैव बीन रिलीज एंड ऑल। ओके तो मजा तो आने वाला है, मतलब थोड़ा कॉमेडी अच्छा अच्छा हो, एंड ऑल्सो कास्ट तो अच्छा लग रहा है, बोथ ऑफ द टू डम मिलिटेंट्स जो भी यहाँ पे दिखाई दे हैव नाइस कॉमेडी, इनको मैंने सीरियल में पहले देखा हुआ है, देयर कॉमेडी डायमंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इज प्रीटी नाइस, बट इतना कि मतलब वो अच्छा अच्छे से उभर के आया ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ट्रेलर में थोड़ा सा आई फेल्ट लाइक इट वॉज लाइक नॉट ऑन द टॉप। बाकी मोदी जी की बेटी ट्रेलर इट वॉज लाइक गुड, सो आई एम सॉरी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसा और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।